हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी कई बार ये सोचते हैं कि पता नहीं ऑफिस में किस तरह का माहौल या सिचुएशन होगी और आप किस तरह उससे निकल सकेंगे? आज इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेस यानी तनाव क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और किस तरह अपनी आदतों की मदद से हम इससे बच सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि कार्यस्थल पर किस तरह की परिस्थितियां हो सकती है और उनसे कैसे निकला जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर तनाव क्या है और इसे किस तरह से पहचाना जाए। किसी भी स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाना स्ट्रेस यानी तनाव कहलाता है। स्ट्रेस हम सभी के लाइफ में होता है, पर उससे निकलना सीखना या उसे मैनेज करने का तरीका आना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं जानते तो स्ट्रेस आपकी हेल्थ पर भी असर डालने लगता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप तनाव, उसके सिम्टम्स और सॉल्यूशंस के बारे में समझें। स्ट्रेस के कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको महसूस हो सकते हैं, जैसे सर दर्द, गर्दन में दर्द, नींद न आना, हमेशा निराश या थका हुआ महसूस करना आदि। ये जरूर समझे कि हर व्यक्ति को स्ट्रेस में अलग महसूस होता है। ये जरूरी नहीं कि परेशानी के समय किसी और को भी उसी तरह महसूस हो जैसा आपको होता है। लेकिन स्ट्रेस से निपटने के लिए कुछ अच्छी आदतें भी हैं, जिन्हें अपनाकर आप स्ट्रेस में आने से बच सकेंगे। स्ट्रेस से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को भी इस तरह रखना जरूरी है जिससे आपके बॉडी और मन को सही तरीके से न्यूट्रिशन और रेस्ट मिलता रहे। चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ अच्छी हैबिट्स और प्रैक्टिसेस के बारे में। सबसे पहली अच्छी आदत है कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना। शरीर और दिमाग दोनों को ही रेस्ट की जरूरत होती है। अगर आपकी नींद अच्छी तरह पूरी होती है तो आप रिलैक्स होकर अपने जीवन में चल रही परिस्थितियों के समाधान के बारे में सोच पाएंगे। दूसरी सबसे अच्छी आदत है बैलेंस्ड डाइट लेना। बैलेंस्ड डाइट का अर्थ होता है ऐसा खाना जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स शामिल हो। अच्छे न्यूट्रिशंस खाने से आप हेल्दी रह पाते हैं, जिससे एक्टिव, पॉजिटिव और खुश रहने में मदद मिलती है। तीसरी अच्छी आदत है रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से आप फिट रहते हैं और अंदर से फ्रेश महसूस करते हैं। तंदुरुस्त रहने से आप पॉजिटिव और बेहतर फील कर पाते हैं। चौथी और एक बहुत महत्वपूर्ण आदत ये है कि इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस तरह की चीजें देख रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। पॉजिटिव चीजें यानी इस तरह की वीडियोस, बातें या कहानियां देखें जिससे आप खुश और पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपको स्ट्रेस बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेंगी। ये सारी आदतें आपको एक हेल्दी लाइफ जीने में मदद करेंगी, जिससे आप अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को बेहतर रूप से सुलझा सकेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि कार्यस्थल पर किस तरह की परिस्थितियां आ सकती है और उनका आप किस तरह सामना कर सकते हैं। पहली परिस्थिति जो कार्यस्थल पर आपके सामने आ सकती है वो है अपने काम को दी गई टाइमलाइंस पर खत्म ना कर पाना। टाइमलाइंस का मतलब होता है दिए गए काम को समय से पूरा करना। कई बार लोगों को वर्कप्लेस यानी कार्यस्थल पर अपने काम को समय पर पूरा करने में परेशानी आती है और बार बार अपने काम को समय से पूरा ना कर पाने पर वो निराश होने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम को ठीक तरह से मैनेज कर रहे हैं तो आप अपने काम को दी गई टाइमलाइंस यानी निश्चित समय पर खत्म कर सकेंगे। टाइम मैनेजमेंट से आप अपने काम को एफिशिएंटली पूरा कर सकेंगे। दूसरी परिस्थिति जो कई बार कार्यस्थल पर हो सकती है वो है कलीग्स के साथ काम करने में प्रॉब्लम होना। ये एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है जो कई लोग फेस करते हैं। ये समझना जरूरी है कि एक साथ काम कर रहे 10 लोगों की मानसिकता अलग होगी और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जरूरी है कि अगर आपके विचार किसी से नहीं मिल रहे तो आप उनसे बात करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे से सीखने की इच्छा आपको एक बेहतर टीम वर्कर बनाएगी
और आप अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ काम कर सकेंगे। तीसरी परिस्थिति जो कार्यस्थल पर आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है वो है फीडबैक्स। ये जरूरी है कि अगर आपको आपके काम पर कोई फीडबैक या क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो उसे आप पॉजिटिवली ले, यानी उस फीडबैक को समझकर अपने काम को बेहतर करने का प्रयास करें। फीडबैक्स के प्रति अगर आपका नजरिया निगेटिव है तो आप कभी भी अपने काम को बेहतर नहीं कर पाएंगे और जो फीडबैक दे रहा है उसके लिए भी निगेटिव सोचेंगे, जिससे आपकी खुद की ग्रोथ पर निगेटिव असर पड़ेगा। चौथी परिस्थिति जो कार्यस्थल पर आपके सामने आ सकती है वो है काम को समझने में प्रॉब्लम होना। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हो सकता है कि कई बार जो काम आपको दिया जाए उसे समझने में आपको दिक्कत हो। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि आप अपने सीनियर्स या किसी कलीग से खुलकर इसके बारे में बातचीत करें और उनसे काम को समझने का प्रयास करें। मदद मांगने से आप काम तो बेहतर समझ ही सकेंगे, साथ ही बार बार गलती करने से भी बच पाएंगे। कार्यस्थल पर काम करते हुए और भी कई परिस्थितियां आपके सामने आ सकती है, तो ये जरूरी है कि आप हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी और पेशेंस के साथ काम लें। अगर आप पेशेंस यानी धैर्य से चीजों को सुनते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को बेहतर समझ सकेंगे और पॉजिटिव नजरिया आपको उस परिस्थिति को सुलझाने के बेहतर सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करेगा। तो देखा दोस्तों, आज हमने स्ट्रेस मैनेज करने के कितने कारगर तरीकों के बारे में जाना और सीखा। आई होप इनसे आपको मदद मिली होगी। कॉन्फिडेंस जैसे इम्पोर्टेंट विषय के बारे में जानने के लिए देखें हमारी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।